अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते हुए ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। और हाँ, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते बॉस। मुझे कोई 20 साल की तपस्या के बाद ये टाइम मिल गया कि मैं चंद सवालात आकर खावर से डायरेक्टली कर लूँ, बिकॉज़ लाइक वैसे तो मैं करोड़ दफा इनसे बातचीत होती रहती है, लेकिन फॉर द व्लॉग इट्स रियली रियली एन इम्पॉर्टेंट टास्क। गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड यू नो ही वोंट बी दैट मच बिजी, बट इन खावर्स केस इट इज़, एंड टुडे इज़ यू नो इट्स एन ऑफ डे। अच्छा खावर, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज यू आर टू मच टायर्ड। हाउ डू यू टच पीपल एंड ट्रांसफॉर्म? ट्रांसफॉर्मेशन के भी थोड़ी सी हमने एक वीडियो भी वो शूट हुई थी मॉडल की, तो मैं देखी थी, मतलब हाउ डू यू डू दैट? आपके अंदर कोई भी चीज़ इन बॉर्न होती है, और वो अल्लाह की तरफ से आपको कोई ना कोई टैलेंट जो होता है वो मिलता है, बाद में आपने उसको एक्सप्लोर करना होता है। और जब मैंने इस सिनेरियो को देखा जिसको आप मॉडलिंग कहते हैं, तो वहाँ पर मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये बिल्कुल परफेक्ट को मुझे फेस मिल गया। मुझे ये फीलिंग आती थी कि ये जो फेस है, लड़का लड़की जो भी है, इस तरह से उसको ग्रूम करूँगा, मेहनत करूँगा, तो इसकी एक शक्ल निकलेगी। वो शक्ल जो मैं विजुअली देख रहा हूँ उसको, शुरू में लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती कि जी अच्छा ये मॉडल बन सकता है या बन सकती है, लेकिन फिर ये मुझे पता होता है कि मैंने इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ग्रूमिंग का, जिसमें डाइट होती है, जिसमें उसका पूरा एक्सरसाइज की रूटीन बनाई जाती है, और उसको मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक बन जाता हूँ, कई दफ़ा वो उकता भी जाते हैं, लेकिन फिर ऐसा ऐसा उनको पता चलता है। और फिर कपड़ों के जो उनके जिस तरह ड्रेसअप होते हैं, वो सारे कॉम्बोज बनाना, बाल कैसे रखने, इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे भी फिर अपने आप को उस रंग में ढलना पड़ता है, जो देखना पड़ता है कि जो दूसरा है उसकी क्या साइकोलॉजी है। अब मुझे बच्चों की जो साइकोलॉजी, उसके मैंने बहुत प्रैक्टिकली एक वेल हैंड नॉलेज जो है ना मिल चुका है, क्योंकि जब आप बैकग्राउंड में जो काम करते हैं, तो अब आप उसका लाइफ को सीखते हैं और समझते हैं, और आपको इंसानों की समझ आती है। तो इस तरह से फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो हर नए चेहरे के साथ फिर मैं एक नया खावर आदि बन जाता हूँ, क्योंकि एक आर्टिस्ट को एक कैनवस होता है जिसके थ्रू वो अपने आप को दिखाता है। सो इस तरह से बाहर के जो लोग हैं वो इसको किसी और तरीके से देखते हैं, वो समझते हैं कि शायद ये कोई सीन ऑन हुआ है, जबकि वो एक आर्टिस्ट का सीन ऑन होता है जिसमें वो अपनी क्रिएशन से प्यार करने लग जाते हैं और उसके बारे में पोजेसिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको, लेकिन फिर जब वो क्रिएशन बनती है, पहले शुरू में लोग उसको रिजेक्ट भी करते हैं, लेकिन एक टाइम आता है लोग उसको कहते हैं वाह ये कौन है, ये कहाँ से आई है, यू नो समथिंग लाइक दैट। तो मैंने बहुत चेहरे इंडस्ट्री को दिए, मैंने अपने आप को कभी ट्रांसफॉर्म नहीं किया, लेकिन अपने लाइफ स्टाइल को अपने मुताबिक ज़रूर ट्रांसफॉर्म किया, बिकॉज मेरे भी फैशन ये नहीं कि आप ड्रेसअप किस तरह से हैं, आपका जो आपकी जो सराउंडिंग है वो डिपिक्ट करती है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, और आपका जो 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 भी लाइफ के बारे में डायरेक्शन है, जो अप्रोच है वो है क्या। तो मेरा जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी फैशनेबल है, बट ऑन द अदर हैंड मैं बिल्कुल सिंपल दिखाई देता हूँ, पर असल जो चीज़ है वो मेरे अंदर है, जिसमें मुझे पता होता है कि अब कौन सा फैशन चल रहा है, कौन सी चीज़ इन है, कौन सी आउट है, किसी को सूट क्या करेगा। सो I never consider myself as a photographer or makeup artist. I think I am more of a stylist. आपने इतने लोगों को डाइट प्लान दिए और लोगों को इतना लीन कर दिया है और इतना फिट कर दिया है कि मतलब वो टोटली पहचान नहीं जाते, जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती थी उसी से रिलेटेड ये है कि आपने अपने डाइट प्लान पर क्यों नहीं ध्यान दिया? मैं बिल्कुल, वो कहते हैं ना दूसरों को नसीहत खुद मियाँ वसीयत, ये वही वाली बात है। और ये बिल्कुल आप ही की तरह है कि आपकी भी, मैं बड़े कोर्स पढ़ते रहता हूँ इंसान ह्यूमन साइकी के ऊपर, मतलब बहुत पॉजिटिव अप्रोच होती है आपकी, फिर आपको मैं देखता हूँ कि आप डाइट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर आप बीच में एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, तो मैं सब कुछ करता हूँ, फिर एक टाइम पर ऐसा आता है कि इतना काम का बर्डन आता है, तो फिर चलते फिर तो कोई ना कहीं कोई इस तरह की रूटीन ख़राब हो जाती है। बट मुझे ये पता है कि अब मैं कौन सी चीज़ खाऊंगा तो मैं बिल्कुल फिट रहूंगा, कौन सी चीज़ खाऊंगा तो मैं ख़राब हो जाऊंगा, लेकिन ये बैलेंस रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे जो रोज़ की रूटीन है वो चेंज होती जाती है। बट ऑफ कोर्स करना चाहिए, क्योंकि जब आपको ज़िंदगी समझ आती है कि ज़िंदगी इसमें ये है और आपको इतनी ताकत चाहिए, तो वो यू नो इन द एंड इनर हेल्थ इज़ आउटर ब्यूटी,
And if you are fit, everything is fit around you. Coming back to my third question, which is like really, really a bit controversial, but I would like to ask Khawar, my best friend, that how he sees on it. Khawar, how do you define what is casting couch? Tali do haathon se bachti hai. Bilkul aise. Theek hai. To agar kisi ne compromise kiya hai, to ye uska apna masla hai. Theek hai. Agar kisi ne compromise nahi kiya, aur usko pata hai ki wo talented hai, aur kaam usko talent ki base mein milega. और उसका उसको इस भी चीज़ पे यकीन है कि जो काम भी होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है बिल्कुल तो फिर उसको किसी कास्टिंग काउच की ज़रूरत नहीं है और सब लोग एक जैसे नहीं होते बिल्कुल जिन्होंने देखना होता है वो टैलेंट को पकड़ लेते हैं पर मैंने आज तक किसी के साथ ये नहीं किया कि आप मेरे साथ ये काम करेंगे तो मैं ऐसे आपके साथ कुछ करूँगा मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करता और मैं इसको गुनाह समझता हूँ बिल्कुल बिकॉज लाइक क्या है कि जी लोगों ने काफ़ी सारे मैंने सिंपथी वोट्स भी देखेंगे जी हैश टैग मी टू हैश टैग चले ठीक है पीपल हैव बिन थ्रू एवरीबडी इज़ बिन थ्रू क्राइसिस इन द लाइफ इन द यूथ एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ ये होता है लाइफ में कि बन आपको पेरेंटल निगलिजेंस मिलती है कोई ना कोई चीज़ होती तो इस तरह की चीज़ होती है बट दैट डजेंट मीन कि यू नो एवरी प्लेस एंड एवरी काउच इज़ अ कास्टिंग काउच दैट आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर ओवर हियर शो बिज में आपके इतने मॉडल्स आए इतने आप थ्रू आउट लाइक आई हैव बीन सीइंग यू फॉर 20 इयर्स डूइंग दिस तो जो इंटर मैरिजेस होती हैं मॉडल्स के आपस में वो किस हद तक कामयाब होती हैं एक मेल मॉडल और एक फीमेल मॉडल पहले तो अपने मॉडलिंग का लेबल नहीं उतार देना लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन बिल्कुल ठीक है तो मॉडल जो होता है वो वैसे ही बहुत हाई होते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि खूबसूरत होना एक मॉडल है ठीक है वो मॉडल है तो वो खूबसूरत है तो वो एक ख़तरनाक चीज़ हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट हो जाते हैं अपने आप को खुद पसंदी में आ जाता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी बहुत करने लग जाते हैं और ये एक ऐसा सीन है जब आपको इंस्टेंट जो है ना अटेंशन गेन करने की आदत पड़ जाती है और आप समझते हैं कि आपके जो लुक्स हैं वो फॉरएवर हैं और इससे आप किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं तो यहाँ से तबाही शुरू होती है और उससे बड़ा ज़ालिम इंसान भी कोई नहीं होता जो अपनी लुक्स के ऊपर समझता है कि वो कमांड कर लेगा लेकिन वो असल में अपना आप तबाह कर रहा होता है इंसान की जो असल खूबसूरती जो वक्त के साथ बढ़ती है वो उसकी पर्सनैलिटी है विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट उस पर कोई एम्फसाइज नहीं करता तो जो आपकी एक्सटीरियर ब्यूटी है उसको चार चांद तभी लगते हैं जब आपकी इंटीरियर ब्यूटी जो है वो उसमें डेप्थ आती है बिल्कुल सो सिंपल सा रूल है हर चीज़ ने अपनी डिक्लाइन पे आना होता है और जवानी चंद दिन की गेम होती है फिर उसके बाद समझ में आती है कि अच्छा ज़िंदगी असल में तो ये थी शादी एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने लिखी होती है वो इंसान किसी प्लानिंग की सहायता नहीं करता और जब होती है तो फिर अचानक हो भी जाती है और जब जहाँ आप चाह रहे होते इतनी शिद्दत से वहाँ नहीं हो पाती और जहाँ नहीं चाह रहे होते अचानक पता चलता वहाँ हो गई है सो मैंने तो मोस्टली इस तरह होते देखा है और मैंने बहुत जो बच्चे ज़िद करके माँ बाप से लड़के झगड़े के शादियाँ करते हैं उनको दो फिर कुछ अर्से बाद मैंने उकताया वो भी देखा है क्योंकि जब अब फ़र्क होता है कि आप वाकई किसी से मोहब्बत करते हैं या उसको ज़िद बनाते हैं जिसका मतलब है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई ठीक है और अगर आपको मोहब्बत में इज़्ज़त नहीं मिल रही तो समझ लें कि और आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं तो इसका मतलब कसूरवार आप खुद हैं तो आपने अपनी इसका मतलब कि आप कोई चस्के की खातिर ही सब कुछ कर रहे हैं टू बी ऑनेस्ट सो इसमें फिर वो जो आपको तंग कर रहे हैं उसका कसूर नहीं है आपका कसूर है कि आपने उसको इतनी लिवरेज क्यों दी हुई है पीपल थिंक दैट यू वेरी मच अब्रप्ट एंड यू वेरी मच रूड और आपसे बात करना या आप एक्सेसिबल नहीं हैं और अगर मतलब इफ़ दे अप्रोच यू या जो भी होगा तो यू नो दे फील इंसल्टेड और या कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी या उनको आपसे डांट पड़ेगी मतलब वो ये दिस इज़ बेसिकली पीपल हु वॉक अप टू यू फॉर मॉडलिंग एंड दिस इज़ बेसिकली पीपल हु अप्रोच यू फॉर बिजनेस दैट हैज़ बीन हैपनिंग एंड आई एम बीन लिसनिंग टू दिस फीडबैक बीन पार्ट अदर साइड ऑफ द यू नो इंडस्ट्री के लोगों की कुछ इस तरह के बारे में राय बिकॉज लाइक आई हैव बीन एसोसिएटेड विद यू फॉर पास मेनी इयर्स सो आई नो यू सो टेल मी व्हाई डू यू हैव दिस काइंड ऑफ परसेप्शन यहाँ के जो लोग हैं उनको कोई भी बात एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा फिर चीख के कहो तो फिर समझ आती है और उनको हिलाना पड़ता है फिर आपको रूड भी होना पड़ता है लेकिन अब ऐसा नहीं है और जब कोई मेरी बात नहीं समझ रहा होता तो फिर उस पर भी लेकिन अब मुझे समझ में आया कि एक इंसान को जब आपकी समझ ही नहीं है तो उससे फिर लड़ने झगड़ने का फ़ायदा क्या है बेहतर है आप वो रास्ता चेंज कर लें और अपने दिमाग का स्विच ऑफ कर लें अब मैंने अपने दिमाग को स्विच ऑफ किया हुआ है और मैं अक्सर ही सोचता हूँ कि मैं एक पागलखाने में हूँ और फिर मुझे एक पागल का रोल ही अदा करना पड़ता है ना पागलों को समझने के लिए
बिकॉज असल फोकस ये नहीं है कि आपने उनके साथ झगड़ना है या आप अपने ऑब्जेक्ट तक पहुँचना है. सो अब मैंने जब इसको देखा तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. बीच में गालियाँ पड़ती मार पड़ती पढ़ने दो, लेकिन आपने अपने ऑब्जेक्ट तक जरूर पहुँचना है. मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है. तो अब जो है ना मैं ना रूड होता हूँ ना मैं कुछ, बल्कि मैं वहाँ से सुन समझे स्लिप कर जाता हूँ. हाँ, नेपोटिज्म में मतलब ये कि लाइक शोबिज़ के अंदर एंड फॉर स्पेशली इन द मॉडलिंग फील्ड फैशन फील्ड लोग कहते हैं नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा होता है. इज़ इट ट्रू कि जी लोग अपने जान पहचान वाले यानी एक्टर्स उनके आगे बच्चे या मॉडल्स उनके आगे बच्चे जो हैं वो दे आर मोर केटर्ड एंड दे आर मोर पेम्पर्ड एज कम्पेयर टू कोई नॉर्मल अगर लड़का या लड़की मॉडल बनने आ रहा है वो? हर वक्त आपके साथ कोई शुगर डैडी नहीं खड़ा होगा. इन द एंड आप लोग आपका काम देखेंगे और काम के बेस पे तो लोग फिर आपको आउट भी कर सकते हैं इन भी कर सकते हैं. तो अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और चांस मिल रहा है और आप समझते हैं कि आप एक्टिंग कर सकते हैं तो टेक दैट चांस. यू आर लकी कि आपको वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बट इन द एंड इट्स योर हार्ड वर्क एंड योर बेसिक टैलेंट दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. I'll just take a few names I have in mind and I just want ke aap unke liye just say one word, ek jo pehla lafz aapke zehen mein aata hai. First of all, Amir Zeb Khan. Real model. Umair Bhatt. Adonis. Adonis, okay. Amna Shafat. Lady. Noor Bhatti. My kind of a beauty. Vineez Ahmed. Grace. Abdullah Ajaz. Scandinavian. Rahil Rao. He is my best friend, he is my best enemy, he is my best, he is every, whatever he is the best. Being as a friend, मुझे जो उसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो पीठ मुँह पर आपकी बुराई जरूर करता है लेकिन पीठ पीछे वो आपके लिए लड़ता है. तो जो कि आई थिंक दैट मैटर्स. अमीर अदनान. एजुकेशन. And the last one is, I hope you say the right word, that's Eddy Baig. Eddy Baig? Eddy Baig is an unexplained phenomenon. Well, that's great, that's wonderful. I had a wonderful time aur ye ek informal kism ki mera vlog tha. I wanted to make it happen for... Iska part 2, phir part 3, part 4. एक पार्ट होगा जो इंटीरियर से रिलेटेड होगा, एक पार्ट होगा के आर ब्राइडल मेकअप, लेकिन उसके पैरेलल मैंने सिग्नेचर मेकओवर बाय खावर रियाज वो की शुरू किया कि एक तरफ वो मेकअप है जो औरतें चाह रही हैं और दूसरी तरफ वो वाला मेकअप है जो मैं चाह रहा हूँ. तो ये दो चीज़ों को मैंने क्लासीफाइड किया है और मैं एक तरफ एजुकेशन दे रहा हूँ और एक वो तरफ है जहाँ पर औरतें जो है वो एक और चेहरा लेकर खड़ी हैं, जबकि ये वाली औरत कह रही है कि माई कॉम्प्लेक्शन इज़ माई ब्यूटी, this is my father and mother, I don't want another skin. Yes, he is an institution himself and that we all know. Aur ye further mere vlogs mein aap dekhenge because like it's an ongoing process. Acha, aur secondly jo cheez hai wo ye hai ki waqai mein jis tarah se ek point reh gaya tha ki jo dusky beauty ko aur jo skins hain jo fair nahi hain khawateen ki unko is tarah se ek exposure milna aur unko highlight karna, kyunki basically aksar hamare logon mein se jo eastern beauties hain wo dusky hi hoti. तो इनसे हमें बेसिकली ये नहीं करना चाहिए कि वी हैव टू बी फेयर एंड एवरीथिंग हैज टू बी शाइनी एंड एवरीथिंग. रिस्पेक्ट व्हाटएवर यू आर एंड दैट मैटर, डोंट डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ कि जी इस तरह मैं गोल्ड लूंगी तो ये हो जाएगा. ये जो एक कॉम्प्लेक्स है ना सोसाइटी के अंदर, हमें उससे बाहर निकलना होगा. चले जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच खावर एंड आई विल कीप ऑन बगिंग यू. सो टिल वी मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, लव लव.